तो भाई पैन इंडिया सुपरस्टार का वो एक ही नाम जिसे हम कह देते हैं डार्लिंग और रिवर स्टार। वैसे एक्शन का है किंग, स्वैग है उसका यार, डार्लिंग तो है सबका, डार्लिंग तो है सबका, पर असली है रिवर स्टार। तो डाई हार्ट फैन तुम समझ ही गए हुए कि मैं किस एक्टर की कर रहा हूँ बात। तो हाँ यार, परभाषी तो है मेरे यार। तो भाई आने वाले कुछ सालों में प्रभास की बैक टू बैक मूवीज आने वाली है, तो इस वीडियो में प्रभास की आने वाली अपकमिंग मूवीज के बारे में बात करेंगे। तो आओ वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन राजा साहब। तो भाई इस मूवी की क्रेज कुछ ज्यादा ही चल रही है। हाल ही में कुछ पोस्टर रिलीज किए गए इस मूवी से जिसमें प्रभास एक डार्लिंग लुक में दिख रहे हैं। वैसे ये मूवी प्रभास की एक हॉरर कॉमेडी मूवीज होने वाली है जिसे डायरेक्टर मारुति दसारी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो भाई प्रभास की एक्शन मारकाट मूवी बहुत देख ली, अब बार ये कॉमेडी मूवी की। वैसे इस फिल्म में प्रभास के साथ मेन लीड रोल में नीति अग्रवाल, नीति कुमार और मल्लिका मोहनन होने वाली है। तो भाई इसमें संजय दत्त की भी एंट्री हो चुकी है और कहा जा रहा है कि इस मूवी में संजय दत्त प्रभास के दादाजी के रोल में होंगे। और तुम प्रभास के एक्शन के लिए हो तो मैं बता दूं, इस मूवी में प्रभास के कुछ एक्शन सीन भी रखे गए हैं। और वैसे ये मूवी अगले साल 10 अप्रैल को आ रही है। नंबर टू फौजी। भाई इस मूवी के भी काफी चर्चे चल रहे हैं और इस मूवी में प्रभास एक फौजी होने वाले हैं। और इस मूवी से कुछ पोस्टर भी रिलीज किए गए थे और देख ऐसा लग रहा है कि इस मूवी की जो कहानी होगी इंडिपेंडेंस से पहले की होगी, जो कि सच्ची घटना पर बेस्ड है। और इस मूवी में प्रभास के साथ ईमान भी होंगी, जो कि बीच में तुमने देखा ही होगा कि ये बीच में काफी ट्रेंड में चल रही थी। और कहा जा रहा है कि हमें इसमें मिथुन चक्रवर्ती भी देखने को मिलेंगे। और इस फिल्म के डायरेक्टर और कोई नहीं, हनु राघव पुधी है, जिन्होंने सीतारामन जैसे बेहतरीन मूवी दे रखी है। वैसे इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो गई है और मान के चलो कि ये मूवी स्प्रिट मूवी से पहले देखने को मिल जाएगी। नंबर थ्री सलार टू। तो भाई ये मूवी अभी पता नहीं कितना एक्सटेंड होगी, क्योंकि प्रभास अभी राजा साहब और फौजी पे काम कर रहे हैं और प्रशांत नील भी जूनियर एंटर के साथ ड्रैगन पे काम कर रहे हैं। अब सलार पार्ट टू में स्टोरी आगे ही चलेगी। जैसे मैं फिल्म के एंड में पता चलता है कि देवा जो है वो सूर्यांगा का ही है, तब देखने लायक होगा कि अब क्या होता है। और हमें पार्ट टू में देवा बसेज वर्धा का आमना सामना देखने को मिलेगा। अब जब भी मूवी लेकिन जब भी मूवी आएगी बॉक्स ऑफिस पर आग लगा के रख देगी। तो भाई नंबर फोर कालकी टू। तो भाई इस मूवी से रूमर्स आ रहे थे कि इस मूवी की शूटिंग जो है 40% कंप्लीट कर दी गई है, लेकिन नाग अश्विन ने खुद कहा कि इस मूवी की 40% तो नहीं लेकिन शूटिंग का एक शेड्यूल कंप्लीट करा जा चुका है। कोई नहीं, और थोड़ा वेट कर लेंगे हम। वैसे पार्ट टू में भैरवा जो कि हमें एंड में पता चलता है कि वो कर्ण है, हमें यास्किन के साथ फेस ऑफ देखने को मिलेगा। और मान के चलो कि ये मूवी 2026 या 2027 में देखने को मिल सकती है। नंबर फाइव स्प्रिट। भाई ये संदीप रेड्डीवांगा की एनिमल के बाद आने वाली काफी वायलेंस मूवी होने वाली। सोचो वैसे ये मूवी संदीप वांगा की है, ऊपर से प्रभास। वैसे तुमने सलार में प्रभास का वायलेंस वाला रूप तो देख ही लिया होगा, तो सोचो इस मूवी में क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो भाई संदीप रेड्डीवांगा ने खुद कंफर्म किया कि प्रभास इसमें पुलिस के रोल में होंगे और इनका लुक भी अलग ही होगा। तो जाहिर है कि स्प्रिट मूवी की शूटिंग जो है फौजी और राजा साहब के बाद ही प्रभास कर पाएंगे। और कहा जा रहा है कि इस मूवी में हमें दो बड़े एक्टर का कैमियो देखने को मिलेगा और वो शायद रणबीर कपूर या शाहिद कपूर या विजय देवराकोंडा हो सकते हैं, क्योंकि भाई संदीप रेड्डीवांगा एक सिनेमेटिक यूनिवर्स बनाने जा रहे हैं। और अगर भाई ये यूनिवर्स बन गया तो मान के चलो कि इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्स बन सकती है। नंबर सिक्स कनपा। यह विष्णु मंचो की फिल्म है जिसमें प्रभास का एक कैमियो होने वाला है। और इस मूवी में प्रभास के अलावा अक्षय कुमार, मोहनलाल, शिव राजकुमार, काजल अग्रवाल, नयनतारा और जैसे कई बड़े एक्टर हैं। और इस फिल्म को लेकर पहले रूमर्स आ रहा था कि प्रभास इसमें लॉर्ड शिवा का रोल प्ले करेंगे, लेकिन अब न्यूज आ रहा है कि अक्षय कुमार लॉर्ड शिवा का रोल प्ले करेंगे और वही प्रभास उनके नंदी जी का। लेकिन यह सिर्फ रूमर्स है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि प्रभास इसमें लॉर्ड शिवा का ही रोल प्ले करे। नंबर सेवन बाहुबली थ्री। तो भाई सच में इस मूवी को लेकर कुछ अपडेट आ रहे हैं। तो भाई तुम सोच रहे हो कि बाहुबली के खुद राइटर ने ये कंफर्म कर दिया था कि बाहुबली 3 नहीं आएगी, यहाँ तक प्रभास ने भी कह दिया था कि बाहुबली 3 की कोई स्टोरी नहीं है। लेकिन भाई लोग कुछ दिनों से रूमर्स आ रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में बाहुबली 3 के प्रोड्यूसर ने अपडेट दिया कि बाहुबली 3 प्लानिंग स्टेज पे है और इसके तीसरे पार्ट को लेकर काम चल रही है। अब पता नहीं अंदर अंदर क्या चल रहा है। हाँ लेकिन अगर ये मूवी आती है तो 2028 उसके अगले साल देखने को मिल सकती है, क्योंकि भाई प्रभास की कई मूवीज बीच में है। नंबर है प्रशांत वर्मा विद प्रभास। देखो इस पर कुछ क्लियर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बीच में प्रशांत वर्मा और प्रभास के बीच मूवी को लेकर रूमर्स आ रहे थे। तो देखते हैं इसके बारे में और कुछ क्या अपडेट आता है। तो भाई लोग ये रहे प्रभास के आने वाले कुछ बेहतरीन मूवीज। ऐसे मूवीज तो भी और आने वाली हैं जो कि अभी कंफर्म है नहीं, लेकिन तुम इनमें से कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना और शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।